हेलो गाइस, सबसे पहले तो सॉरी यार, इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की। एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी था, बट आप टेंशन मत लो, अब मैं डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा एंड आगे आपको काफ़ी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ज़ियान फाइनली बन चुका था डाओजोंग लेवल का वॉरियर। वो ब्लड पूल से भी बाहर आ गया था, लेकिन ब्लड पूल से बाहर आने के बाद ज़ियान एक यूनिक कंडीशन में चला गया था, जहाँ पर उसके सामने सीढ़ियाँ आ गई थी एंड उन सीढ़ियों को चढ़कर ज़ियान एक हॉल में पहुंच गया था। उस हॉल में चारों तरफ स्पिरिट थी, जिन्हें बड़ी बड़ी चेन से बांध रखा था एंड वो चेन्स उस स्पिरिट की पावर खींच रही थी। एंड ज़ियान को सबसे आगे अपने मास्टर की स्पिरिट दिखती है, जो काफ़ी तकलीफ में थी। वो देखकर ज़ियान को लगभग रोना आ जाता है, लेकिन मास्टर उसे समझाते हैं, ज़ियान ये वक्त रोने का नहीं है, बल्कि कुछ कर दिखाने का है। अगर तुम चाहते हो कि मुझे तुम पर गर्व हो, तो जल्दी से पावरफुल बनो। अगर तुम पावरफुल बन गए एंड मुझे बचा भी नहीं पाए, तो भी हेवन में जाने के बाद मुझे तुम पर गर्व होगा। तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। एंड हमेशा याद रखो, मैं इस हालत में तुम्हारी वजह से नहीं हूँ, इसलिए कभी भी खुद को मेरी इस हालत का जिम्मेदार मत समझना। ज़ियान हाँ में सिर ला देता है। उसके एंड मास्टर के बीच कुछ और बातें होती हैं। ज़ियान उन्हें बता पाता कि उसे फैंग जुनजे के बारे में पता चल गया है। इससे पहले ही वहाँ पर एक डाओजोन लेवल का वॉरियर आ जाता है एंड वो डाओजोन लेवल का वॉरियर ज़ियान पर अटैक कर देता है एंड ज़ियान अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वो डाओजोन लेवल का वॉरियर मास्टर के पास आता है एंड उन्हें हॉल ऑफ सोल ज्वाइन करने का ऑफर देता है, बट मास्टर उसे रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज वो जानते थे हॉल ऑफ सोल कितना बुरा है। वहीं बाहर ज़ियान अपनी यूनिक कंडीशन से बाहर आ जाता है। अभी के लिए वो एक वन स्टार डाओजोंग बन गया था, बट उसके पास इतनी पावर थी कि वो आसानी से पेटियान से फाइट कर सकता था। अब उसे पेटियान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी एंड अभी के लिए वो चाहे तो टियान हाओ के लिए एक बॉडी भी रिफाइन कर सकता था। अब आगे यूनिक कंडीशन से बाहर आने के बाद ज़ियान नोटिस करता है उसकी एनर्जी पूरी तरह से स्टेबल हो गई है। उसकी डुइकुई एकदम स्टेबल है, उसकी हेवनली फ्लेम भी एकदम स्टेबल है, उसका फ्लेम मंत्रा की पावर भी बढ़ गई है एंड ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वो कहता है, एक बार मैं यहाँ के मैटर सॉल्व कर लूँ, उसके बाद मैं फैंग जुनजे को ढूंढने जाऊँगा एंड अब मुझे वाइंड लाइटनिंग पेविलियन से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है टियान हाओ की स्ट्रेंथ को लेने के बाद मेरे पास एक डाओजोन लेवल के वॉरियर की पावर तो आ ही जाएगी। एंड वैसे भी फैंग जुनजे मास्टर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर वहाँ पर जाने के बाद, मतलब वाइंड लाइटनिंग पेविलियन में जाने के बाद मुझ पर अगर वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के ईस्टर्न रीजन के लीडर ने अटैक भी कर दिया, तो फैंग जुनजे मुझे बचाने जरूर आएंगे। जहाँ तक मुझे मास्टर ने उनके बारे में बताया है, वो मास्टर के लिए अपनी जान भी दे सकते थे एंड इतने सालों तक वो मास्टर को लगातार ढूंढ रहे थे, तो मैं समझ सकता हूँ वो मास्टर के कितने अच्छे दोस्त होंगे। तभी ज़ियान की नज़र नीचे पड़ती है, जहाँ पर जिनशी और जिनगू खड़े हुए थे। ज़ियान उनके पास जाता है एंड जिनगू को मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का एक पेपर दे देता है। उस पेपर को लेकर जिनगू वहाँ से चला जाता है। ज़ियान कहता है, जिनशी आप जल्द से जल्द इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का इंतज़ाम कर देना, उसके बाद मैं आपके लिए एक लिक्विड बनाऊंगा एंड उसकी मदद से आप अपनी बॉडी से एक फायर पॉइजन निकाल पाएंगे। ये सुनकर जिनशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगर उन्हें याद नहीं होता कि ज़ियान एक एल्केमिस्ट है एंड उनकी हरकत से नाराज़ हो सकता है, तो वो कब का ज़ियान को गले लगा चुके होते। वैसे ज़ियान उनके गले लगाने से नाराज़ तो नहीं होता, बट फिर भी उन्हें डर लग रहा था, बिकॉज अगर ज़ियान चाहे तो अभी के लिए वो जिनशी जिनगू एंड पूरे गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब को ख़त्म कर सकता था। वैसे ज़ियान ऐसा कुछ करने वाला नहीं था। ज़ियान कहता है, जिनशी क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? तो जिनशी कहते हैं, हाँ पूछो ना। वैसे तो हमारा गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब काफ़ी पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो हम तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ज़ियान हाँ में सिर हिला देता है एंड उनसे कहता है, क्या आपको गू क्लैन के बारे में पता है? ये सुनते ही जिनशी के हाव भाव बदल जाते हैं, उनके चेहरे पर डर आ जाता है एंड वो कहते हैं, ज़ियान कहीं तुमने हॉल ऑफ सोल के साथ साथ वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के साथ साथ इस गू क्लैन को भी तो नाराज़ नहीं कर दिया है?
तो जियान कहता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे तो अभी तक गुकलैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं अभी तक आज तक कभी भी गुकलैंड में नहीं गया हूँ, तो मैं उन्हें नाराज कैसे करूँगा। ये सुनकर जिनशी राहत की सांस लेते हैं एंड जियान को बताना शुरू करते हैं। गुकलैंड एक बहुत ही पावरफुल क्लैन है, उनके पास डाउडी की ब्लड लाइन है। जियान कहता है कि डाउडी की ब्लड लाइन क्या होती है, तो जिनशी बताते हैं जब कोई वॉरियर डाउडी लेवल पर पहुंच जाता है तब उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की एनर्जी आ जाती है जिसे ब्लड लाइन कहते हैं। एक तरह से तुम कह सकते हो वो एनर्जी उनके पास पहले से होती है, लेकिन डाउडी लेवल के अंदर एंटर करने के बाद वो इसका यूज कर सकते हैं। इस ब्लड लाइन के जरिए वो अपनी आने वाली जनरेशन को अपनी पावर का एक अंश दे सकते हैं, जिससे उनकी आने वाली जनरेशन पैदा होते हुए ही डाउहोंग डाउजोंग नहीं तो कम से कम डाउलिंग लेवल की तो वॉरियर होती ही है। एंड इसमें एक स्पेशल कंडीशन भी है, अगर उनकी जनरेशन आने वाली जनरेशन पैदा होते हुए डाउलिंग डाउहोंग या डाउजोंग लेवल की वॉरियर नहीं हुई, बस एक नॉर्मल वॉरियर हुई, तो उनकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की होती है। थोड़ी सी ट्रेनिंग में ही वो लोग अपनी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं जितनी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस मिलने के बाद भी वॉरियर नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक डाउडी लेवल के वॉरियर का पावर का अंश होता है। जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती है वो अंश उन्हें पावर देता जाता है, एंड इसीलिए कई बार जिनके पास डाउडी लेवल की ब्लड लाइन होती है वो वॉरियर अपने आगे की क्लास वाले वॉरियर, मतलब अगर वो डाउहोंग लेवल का वॉरियर है तो डाउजोंग लेवल के वॉरियर को भी हरा सकता है, इसीलिए इस ब्लड लाइन को इतना खास माना जाता है। गुकलैंड के पास काफ़ी टाइम से ये ब्लड लाइन है, इसलिए उनके वॉरियर पैदा होने के टाइम पर ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, एंड अगर नहीं भी हुए तो भी उनका कल्टीवेशन बहुत ही हाई लेवल को होता है। साथ ही साथ गुकलैंड एक एंशंट क्लैन है, उनके पास कई सारे सीक्रेट डाउ स्किल्स हैं। गुकलैंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हॉल ऑफ सोल, फिल टावर, तीन सेक, चारों पेविलियन एंड सभी मैजिकल बीस्ट ट्राइब गुकलैंड से डरते हैं, कोई भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि गुकलैंड से पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना। गुकलैंड के जो नॉर्मल सोल्जर होते हैं वो भी डाउलिंग या डाउहोंग लेवल के वॉरियर होते हैं, तो तुम समझ ही सकते हो गुकलैंड कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। यहाँ तक कि हमारा एक गोल्ड स्वेल माउस ट्राइब उनके सामने कुछ भी नहीं है, अगर गुकलैंड का लीडर चाहे तो अपनी उंगली के एक छोटे से इशारे से हमारे पूरे गोल्ड स्वेल माउस ट्राइब को ख़त्म कर सकता है। जिया ने सुनकर काफ़ी शॉक हो गया था, उसे पहले तो डाउडी ब्लड लाइन के बारे में कुछ नहीं पता था एंड अब गुकलैंड के बारे में भी इतना जानकर वो इस बात को पचा नहीं पा रहा था, लेकिन जब उसे याद आता है कि जी जूनियर को लेने गुकलैंड का कमांडर आया था एंड वो कितना ज़्यादा पावरफुल था, तब उसे इस बात पर यकीन हो जाता है। बट गुकलैंड की पावर जानकर जियान समझ गया था कि मास्टर ने उसे क्यों कहा था कि डाउहोंग लेवल का वॉरियर भी गुकलैंड के सामने कुछ नहीं है, इसलिए जब तुम डाउजोंग या डाउजोंग लेवल के वॉरियर बन जाओ तभी गुकलैंड में जाकर जी जूनियर का हाथ मांगना। जियान पूछता है क्या आप जानते हैं गुकलैंड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनशी कहते हैं वैसे तो इसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है सेंट्रल प्लान का पूरा ईस्टर्न रीजन ही गुकलैंड के अंडर आता है। हालांकि गुकलैंड कभी भी सामने नहीं आता है एंड सामने आकर इस रीजन पर कंट्रोल नहीं करता है, बट ईस्टर्न रीजन में मौजूद लगभग सारे फैक्शंस गुकलैंड की ही बात मानते हैं, उनकी अंडर हैं। गुकलैंड के ज़्यादातर वॉरियर गुरियलम में रहते हैं। जियान पूछता है आखिर गुरियलम क्या है, तो जिनशी बताते हैं गुरियलम को तुम एक जगह समझ सकते हो, जब भी कोई वॉरियर डाउशेंग लेवल पर पहुंच जाता है तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सेंट्रल प्लान में मौजूद नॉर्मल जगह पर वो ट्रेनिंग कर अपनी पावर कुछ खास नहीं बढ़ा सकता है, इसलिए गुकलैंड ने अपने डाउशेंग लेवल के वॉरियर के लिए एक स्पेसिफिक जगह बढ़ाई है। इस जगह पर जाकर डाउशेंग लेवल के वॉरियर अपनी पावर तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसी जगह का नाम
गुरियलम है। इस जगह के बारे में हमारे पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि गुकलैन ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। उनके बारे में ही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होना बहुत बड़ी बात है, तुम समझ सकते हो गुरियलम कितना ज़्यादा मिस्टीरियस होगा। बट हाँ, अगर तुम गुर क्लैन की पावर के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ, वो क्लैन में कई सारे डाउशेंग लेवल के वॉरियर हैं एंड शायद उनके पास डाउडी लेवल के वॉरियर भी हैं। ये सुनकर जियान शॉक हो गया था बिकॉज वो एक बार ये बात तो पचा सकता था कि उनके पास डाउशेंग लेवल के वॉरियर हैं, बट उनके पास डाउडी लेवल का वॉरियर होना ये बात जियान को हजम नहीं हो रही थी। लेकिन जिनसी की बात पर शक करने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए जियान को बात माननी पड़ती है। एंड अब उसे समझ में आ जाता है उसकी डाउजोंग लेवल की पावर, जिस पर अभी वो थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, वो कुछ नहीं है वो क्लैन के सामने। अगर उसे सच में जी जूनियर से शादी करनी है तो उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, डाउजोंग लेवल से भी आगे जाना होगा। जियान डिसाइड कर लेता है, ज़रूरत पड़ी तो वो दिन रात एक कर देगा, बट वो डाउजोंग लेवल से भी आगे जाकर रहेगा। लेकिन अभी के लिए उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जिनसी की हेल्प कर वाइन लाइटनिंग पेविलियन के ईस्टर्न रीजन में जाना, वहाँ जाकर फैंग जुनजे की मदद लेना एंड उनकी मदद से जाकर मास्टर को बचाना। अगर जियान के पास मास्टर आ जाते तो जियान की आगे की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती बिकॉज मास्टर को सेंट्रल प्लान के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। उनके पास सेंट्रल प्लान के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी जितनी जियान ने कभी सोची भी नहीं होगी। तभी जिनसी कहते हैं, सॉरी जियान, मैं तुम्हें इतनी ही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। जियान कहता है, आपको रिग्रेट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन दी ही है उतनी ही काफ़ी है। जिसके बाद जियान मनी मन कहता है, गुकलैन, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो एंड तुम्हारे पास डाउडी लेवल के वॉरियर भी हैं, लेकिन वो भी ह्यूमन ही हैं, वो कोई गॉड नहीं है। एंड मैं एक दिन इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा कि मुझे उनसे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जी जूनियर ने मेरे लिए काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया है एंड अगर मैं उसके पास नहीं गया, उसे लेने उसके पास नहीं गया, तो मैं एक हार्टलेस पर्सन बन जाऊँगा। किसी भी हालत में मैं जी जूनियर को लेने जाऊँगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे अपनी जान ही अपनी हथेली पर रखकर वो प्लान में क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं जाऊँगा। अभी सबसे पहले मुझे जाकर जिनसी की बॉडी से फायर पॉइजन निकालना है एंड उसके बाद जाकर अपने मास्टर को बचाना है। मास्टर मेरे पास आ जाएंगे तो मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जिस तरह मूकविंग ने कहा था, वो मीटिंग 3 महीने बाद होने वाली थी। अब मेरे पास उस मीटिंग में यानी वाइन लाइटनिंग पेविलियन की ईस्टर्न रीजन में पहुँचने के लिए बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन हैं। मुझे जल्दी से जल्दी जिनसी की बॉडी से ये फायर पॉइजन निकालना होगा, वरना अगर कहीं मैं वहाँ पर पहुँचने में लेट हो गया तो मेरी मुलाकात फैंग जुनजी से शायद ही फिर कभी हो पाएगी। मुझे जल्दी से फायर पॉइजन निकालना होगा। सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है। जियान एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ था, वहाँ पर एक घर था। दोपहर हो चुकी थी, जियान के पास वो सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट आ गए थे जिसकी उसे लिक्विड रिफाइन करने में ज़रूरत थी। उस घर के अंदर एक बहुत बड़ा बाथटब था एंड अभी के लिए जिनसी उस बाथटब के अंदर बैठे थे, उनका गले तक का शरीर पानी के अंदर था एंड वो पानी कोई नॉर्मल पानी नहीं था, बल्कि वो पानी काफ़ी ज़्यादा उबल रहा था। एंड अजीब सी बात तो ये थी कि जिनसी उस पानी के टेम्परेचर से अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी डोकी का भी यूज़ नहीं कर सकते थे एंड इसी के लिए अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में लग रहे थे, क्योंकि बिना अपनी पावर्स के, बिना अपनी डोईकुई के, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन ही थे। लेकिन उस उबलते पानी से भी उनकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर थे एंड इस लेवल पर आने के बाद ह्यूमन की बॉडी फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। हमें अब जियान को दिखाया जाता है जो उस बाथटब के साइड में ही खड़ा हुआ था। उसके हाथ में अभी के लिए उसकी ग्रिल ग्लेस फ्लेम जल रही थी। ग्लेस फ्लेम के अंदर कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मौजूद थे एंड जियान उन्हें रिफाइन कर रहा था। कुछ देर तक उन्हें रिफाइन करने के बाद वो एक रेड कलर के लिक्विड में बदल जाते हैं
एंड जियान उस लिक्विड को पानी में डाल देता है जिससे पानी का कलर पूरी तरह से लाल हो जाता है। तभी जियान एक पिल बाहर निकालता है एंड जिंशी को उस पिल को देते हुए कहता है, इस पिल को खा लीजिए। जिंशी उस पिल को खा लेते हैं। जैसे ही जिंशी उस पिल को खाते हैं उनकी पूरी बॉडी में एक ठंडक दौड़ पड़ती है। कुछ सेकेंड्स के लिए उन्हें ठंडक फील होती है जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिलती है, लेकिन अचानक से ही वो ठंडक गर्माहट में बदल जाती है एंड उनकी पूरी बॉडी जलने लगती है। ये सब उन्हें करना पड़ रहा था क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी से वो फायर पॉइजन बाहर निकालना था। उनकी साइड में ही जिंगू खड़े हुए थे एंड उन्हें जिंशी की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। ये देखकर जियान कहता है, तुम चिंता मत करो, जिंशी को जो पेन हो रहा है वो कुछ इंटेंस पेन नहीं है बल्कि एक नॉर्मल पेन है। अभी के लिए वो अपनी डोईकुई का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं एंड उबलते हुए पानी में मौजूद हैं, इसलिए उन्हें ये पेन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। बट अगर वो इस पेन को सह गए तो वो हमेशा के लिए इस फायर पॉइजन से मुक्त हो जाएंगे। ये सुनकर जिंगू थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, बट उनकी चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी। जियान अपनी प्रोसेस जारी रखता है, उस पानी के अंदर अपनी और ज़्यादा हेवनली फ्लेम डाल देता है, जिसके बाद जियान जिंशी की बॉडी के अंदर जो आइस कोल्ड एनर्जी मौजूद थी उसे कंट्रोल करने लगता है। एक्चुअली उस फिल्म में जियान की बोन चिलिंग फ्लेम मौजूद थी, इसलिए जियान अभी के लिए उसे कंट्रोल कर पा रहा था। जियान उस लिक्विड को जिंशी की बॉडी के अंदर मौजूद हर हड्डी में लेकर जाता है एंड वहाँ मौजूद फायर पॉइजन को निकालने की पूरी कोशिश करता है, जिससे अब जिंशी की बॉडी से ग्रे कलर का लिक्विड बाहर आने लगता है। धीरे धीरे पानी का रंग चेंज होने लगता है एंड फाइनली 8 घंटे बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाथटब में मौजूद पूरा पानी ग्रे कलर का हो गया था। जो पहले यानी 8 घंटे पहले रेड कलर का था, अब उसमें रेड कलर का नामो निशान नहीं था। वो ऐसा देखकर लग रहा था कि वो कभी रेड कलर का था ही नहीं, पूरा का पूरा ग्रे कलर का, एंड वो ग्रे कलर की चीज़ कोई और नहीं बल्कि वही फायर पॉइजन थी जिसने पिछले कुछ सालों से जिंशी को परेशान कर रखा था। जिंशी अभी के लिए काफ़ी बेटर फील कर रहे थे, वो बाथटब से बाहर आ जाते हैं। पॉइजन की उनकी बॉडी से बाहर आने की वजह से उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी। जियान कहता है, मैं चाहकर भी आपकी बॉडी से ये सारा पॉइजन नहीं निकाल सकता हूँ। मैं अगर कोशिश भी करूँ, अपनी जी जान भी लगा दूँ तो भी 5-10% पॉइजन आपकी बॉडी के अंदर रह ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा एंड कोशिश करूँगा कि मैं आपकी बॉडी से सारा पॉइजन निकाल दूँ। मैं अभी के लिए आपको कुछ मेडिसिनल पिल और लिक्विड दूंगा, उन पिल को आपको डेली कंज्यूम करना है अगले 2-3 महीने तक, एंड मैं आपको जो लिक्विड दूंगा उस लिक्विड को रोज़ बाथटब में डालकर आपको उस बाथटब के अंदर बैठकर रोज़ कम से कम 2-3 घंटे तक ट्रेनिंग करनी है, जिससे वो सारा का सारा लिक्विड आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा एंड आपकी बॉडी के अंदर मौजूद उस पॉइजन को बाहर निकाल देगा। मुझे मेरी अपनी इस प्रोसेस पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि वो आपकी बॉडी से सारा का सारा पॉइजन निकाल देगा। जिंशी कहता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, इस पॉइजन ने पिछले कई सालों से मेरी नाक में दम कर रखा था एंड आज आपकी वजह से मेरी बॉडी से ये पॉइजन निकल गया है। यही मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अगर कुछ पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर रह भी गया तो भी अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है एंड मैं आपके इस एहसान को हमेशा याद रखूँगा। फ्यूचर में आपको कभी भी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कभी भी किसी भी मैजिकल बीस्ट ट्राइब की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप सबसे पहले हमें याद करना। हम अपनी जी जान लगा देंगे आपकी हेल्प करने के लिए। हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे एंड हमेशा आपके फ्रेंड बनकर रहेंगे। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। हम ह्यूमन क्लैन जैसे नहीं होते हैं जो वादा कर कर मुकर जाएं। हम अपने वादे पर हमेशा टिके रहते हैं एंड अपनी जान दे देते हैं बट अपना वादा नहीं तोड़ते हैं। फ्यूचर में आपको अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप बिना किसी झिझक के हमसे मांग सकते हैं। तो जियान कहता है, थैंक यू, मैं हमेशा याद रखूँगा कि हेवन आई माउंटेन में मेरा कोई फ्रेंड भी रहता है। एंड हाँ, आप चिंता मत कीजिए,
वो आपकी बॉडी में अगर थोड़ा सा पॉइजन रह भी गया तो वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, या कहूँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब आप अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। लेकिन तभी जियान को अपनी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन की याद आती है। उसकी नज़र अपने बॉडी पर मौजूद डेमन पॉइजन स्पॉट पर जाती है। लेकिन उसे देखकर अब जियान को पहले जैसा डर नहीं लग रहा था। जियान सोचता है, अगर मैं इस डेमन पॉइजन स्पॉट के अंदर मौजूद डोइकुइकुई रिफाइन कर उसके अंदर मौजूद सारी डाउजोंग लेवल की डोइकुई स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब कर लूँ तो मेरी पावर बहुत ही तेज़ी से एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड अगर मुझे जल्द ही एक हेवनली फ्लेम मिल गई तो फिर मुझे एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर मेरी मुलाकात फैंग जोन जैसे हो गई तो मैं कभी भी इस पॉइजन को अपनी बॉडी से निकाल सकता हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है, अब मैं इस पॉइजन को तब तक अपनी बॉडी से नहीं निकालूंगा जब तक बहुत ही ज़रूरी नहीं बन जाएगा। मैं इसको तब तक अपनी बॉडी के अंदर रखूंगा जब तक मैं इसके अंदर से इसकी सारी की सारी डोइकुई स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब ना कर लूँ। एक बार मैंने इसकी सारी डोइकुई स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब कर ली तो मेरी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जितनी मैंने कभी सोची भी नहीं होगी, एंड वो भी बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ेगी। चलो अभी मुझे पहले जिंशी का काम कंप्लीट कर देना चाहिए, इसके बाद मुझे ईस्टर्न रीजन के लिए भी रवाना होना है। अगर ये मौका मेरे हाथ से निकल गया तो फिर मैं शायद ही कभी फैंग जुनजे से मिल पाऊंगा एंड अपने मास्टर को बचाने का एक मौका खो दूंगा जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। मास्टर मेरा इंतज़ार करना, आपका डिसाइपल आपको बचाने के लिए आ रहा है। एंड उन हॉल ऑफ सोल वालों को तो मैं आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा, उनकी तो मैं जड़ें ही काट दूंगा जिससे कभी भी हॉल ऑफ सोल दोबारा से पैदा ना हो पाए। जियान इस बात का एक दृढ़ संकल्प कर लेता है कि वो हॉल ऑफ सोल को बर्बाद कर रहेगा। एंड अब इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।